बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर साहब, नूर आलम खान साहब अच्छी बात कर रहे हैं। काश अगर कल वो वोट ना देते और आज ये बातें करते तो अच्छा लगते। कल वोट भी दिया उन्होंने और आज ये बातें भी कर रहे हैं, तो आप बराबर के शरीक हो। मैं जनाब स्पीकर साहब आपके तवसुर से एक बहुत अहम मसला है। कराची में एक बहुत बड़ी बरादरी है, बिहारी बरादरी, जो इस मुल्क और ला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह सिर्फ इस्लाम के नाम पे अपनी जायदादें अपने सारे एसेट्स छोड़ के इस मुल्क पे आए थे और इस मुल्क की खातिर उन्होंने कुर्बानी दी। आज वो दर पदर घूम रहे हैं, आज उनको बुनियादी हकूक नहीं दिए जा रहे। 70 सालों बाद पाक फौज ने भी उनकी खिदमात को सराहा। पिशावर, हैदराबाद, कराची, पिंडी की कैंट्स में उनको बुलाया गया, उनके खिदमात में एजाजात दिए बिहारी बरादरी के लोगों के। तो मेरी आपसे इस एहवान से दरख्वास्त है कि उनके बुनियादी इशूज़ हैं कि आज उनके बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनको दाखिले नहीं मिल रहे हैं, उनको NIC का प्रॉब्लम है। ये ऐसा इशू है सर, जब वज़ीर आज़म ने हलफ लिया था तो उन्होंने कहा था कि मैं ये प्रॉब्लम हल करूंगा, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि अगर वो गैर मुल्की जो कुछ मुफादात के तहत आके चंद पैसे दे के वो यहाँ नेशनलिटी ले सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने सिर्फ इस मुल्क के लिए और ला इला इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलल्लाह के लिए और पाक फौज का साथ देकर हमारे लोगों के इस मुल्क की खिदमत की, आज उनका जो है ये प्रॉब्लम है कि वो दर पदर घूम रहे होते हैं, शिनाख्ती कार्ड उनके नहीं बन रहे होते। मेरी रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर आप कोई रूलिंग दें। सही, शुक्रिया जी। शेर अकबर खान साहब। थैंक यू जनाब।